Yes, I want to hug you. Oh, yes. बड़ी आरजू थी मुलाकात की और नतीजा ये होगा सर, उम्मीद नहीं थी। बहुत खुश हुए जी। नुसरत जी या। कहाँ से आई हैं आप? बॉम्बे से। बॉम्बे से? अरे बॉम्बे में रहती है, दिखाई नहीं दी आज तक। अरे आप नहीं दिखे यार मुझे, मैं इतना जाती हूँ बैंड स्टैंड, आप कभी नहीं। अरे मैं वहाँ पे नहीं, मैं वो शाहरुख खान रहता है वहाँ पे। उसे नहीं देखना मुझे। क्यों नहीं देखना? अब देख ही रही है ना। अब तो देख रही हूँ, पर इतने 19 साल लग गए ढूंढने में। 19 साल? हाँ, मैंने प्यार किया से ढूंढ रही हूँ, अब मिले हो। क्या बात कर रही हैं, जिंदगी का वही मकसद था, आज पकड़ में आ गए। आज पकड़ में आ गया। तो आप मुझे पकड़ के रखेंगी या आप मुझे? नहीं, थोड़ा इनके लिए छोड़ दूंगी यार। शुक्रिया शुक्रिया। कितनी अंडरस्टैंडिंग है मैडम। काश हरे कोई गर्लफ्रेंड, हरे कोई पत्नी आप जितनी इंडा अंडरस्टैंडिंग होती। अरे हाँ, है ना जी। आशीष जी, कहाँ से हैं आप? सर हमें बिलोंग हम लखनऊ से करते हैं जी, और जॉब कर रहे हैं दिल्ली में फार्मास्यूटिकल कंपनी में, फ्रेजेनियस का भी जी। फ्रेजेनियस का भी, दिस इज मल्टीनेशनल कंपनी, फ्रेजेनियस का भी। अच्छा नाम है। अच्छा नाम है। फार्मास्यूटिकल कंपनी है सर, हमें न्यूट्रिशन में डील करते हैं बेसिकली। अच्छा, और इसलिए आप तो खा ही रहे लग रहा है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप हमारे हिंदुस्तान के आवाम की सोच से वाकिफ हैं? प्लीज एक्सप्लेन, प्लीज आई वांट टू नो। इतने लोगों से मिलते हैं हम। कितने लोगों से मिलते हैं आप? देखिए आप मुझे जेलस मत फील करना अभी प्लीज। क्यों क्यों? कितने लोगों से मिलते हैं? वैसे नहीं मतलब 19 साल। हाँ आप मेरी तलाश में थी, कितने लोगों से मिली आप? नहीं, मैंने आपके लिए कुछ शेर बुना है। शेर जी। बोलिए। तुम मुखातिब भी हो करीब भी, तुम्हें देखूं या तुमसे बात करूं? कंप्लीट हो गया। ये भी कंपनी की नाम की तरह टफ है तुम्हारे भाई। नहीं, ये इसका पंचलाइन क्या है? भावनाओं को समझो। भावना? हाँ। भावना आज आई नहीं। मैं ट्राई कर रहा था भावना को समझने के लिए, लेकिन भावना आज आई, दिखाई नहीं दी मुझे भावना। वो बीमार हो गई। बीमार हो गई। पर आप मेरी भावना को समझ जाइए। आपके पास भी भावना है? तो आइए खेलते हैं 10 का दम। अब ये है नॉकआउट राउंड। आपको इनको नॉकआउट करना है और आपको इनको नॉकआउट करना है। आवाम से प्रश्न पूछे हैं, फीड है हमारे इस LG टैबलेट में। ये बेस्ट ऑफ 5 है और जिसने भी पहले 3 सवाल के सही जवाब दिए वो खेलेंगे मेरे साथ 10 का दम। तो आपका पहला प्रश्न, कितने प्रतिशत भारतीयों ने कहा कि वो नए नोटों के बीच फटे नोट छुपाकर उन्हें चलाने की कोशिश करते हैं? जब हम लोग बड़े हो रहे थे, अभी काफी कुछ 2-3 साल उस वक्त राजेंद्र कुमार साहब के और दिलीप कुमार साहब के नोट छपते थे उस वक्त, तो बनिया की दुकानों में मैं वही चलाता। ज्यादातर सिर्फ पेट्रोल पंप पे चलाता। वो तो चलाना चाहिए बिकॉज ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है भाई। 10 सेकंड हैं आपके पास और आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। नुसरत 58%, आशीष 51%। आए देखें कितनों ने कोशिश की है फटे हुए नोट नए नोटों के बीच छुपा के चलाने की। ऊपर 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 नीचे आ जा। ऊपर 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 लग। कोई बात। अगला प्रश्न, कितने प्रतिशत भारतीय खुद रास्ता ना जानने पर भी दूसरों को रास्ता बताते हैं? एक्चुअली वो बताते नहीं है, वो दूसरों के रास्ते लगाते हैं। पोपट बना।
आपके साथ कभी हुआ है क्या? हाँ हुआ कई बार। यहाँ से राइट लेना, फिर राइट लेना, फिर राइट लेना, फिर राइट लेना। अगले टक्कर से लेफ्ट होना, लेफ्ट होके अगले रेड लाइट से राइट ले लियो और तीसरी गली में घुस जाना। आपके साथ बंबई में कभी हुआ है? मैंने किसी को गलत रास्ता बता दिया। अच्छा, वो घूम के मेरे पास आए, क्या बताया? क्या क्या बोला? क्या आपने क्या बोला कि यहाँ से लेफ्ट टर्न लो, फिर लेफ्ट टर्न लो, फिर लेफ्ट टर्न लो? नहीं, मैंने लेफ्ट टर्न बोला, सीधे जाओ और राइट लो। आप भी हमेशा कहते हैं लाइफ गो स्ट्रेट एंड टर्न राइट। करेक्ट, ये तो कहता हूँ, लेकिन फिर वो वापस कैसे आ गया? वो वहाँ से वापस आया, मैं कुछ कर रही थी वहाँ पे काम। अच्छा, तो वो वापस आ गया, बोला कहाँ आपने भेज दिया, वो कुछ है ही नहीं वहाँ पे। तो वो क्या ढूंढ रहे थे? नहीं, आप ही को तो नहीं ढूंढ रहे थे? ढूंढते तो अच्छा होता। 10 सेकंड हैं आपके पास। स्टार्ट हुए टाइम और आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। प्रश्न ये था कि कितने प्रतिशत भारतीय खुद रास्ता ना जानने पर भी दूसरों को रास्ता बताते हैं? नुसरत 29%, आशीष। देखते हैं कि कितनों ने गलत रास्ता लोगों को दिखाया है। पिंच कीजिए, मुझे यकीन नहीं आ रहा है मैं आपके सामने। जोर से प्लीज, मैं जाग जाऊंगी। मैडम प्लीज, जरा जोर से, मैं आपके सामने हूँ। अच्छा, जोर से। अरे इतने जोर से, और जोर। अरे पकड़ में नहीं आ रहा हाथ आपका। अच्छा ठीक, अभी समझे? अभी अच्छा, ये लीजिए। नहीं, कितने अच्छे हैं आप। प्रीति शर्मा जी। नहीं, प्रीति शर्मा जी। अच्छा, आप प्रीति शर्मा जी, आप नीतू सिंह जी। अरे लग रही जी, लग रही हैं बालों के इस साइड से। मैंने आपको पिंच इसलिए किया, मैं आई हूँ। अच्छा, आप आई हैं? अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? मैं रुड़की उत्तरांचल से, बट मैं दिल्ली में जॉब करती हूँ। वैसे प्रीति शर्मा जी, आप क्या जॉब करती हैं? एक्चुअली आई एम डूइंग PhD एंड साथ साथ मेरा प्लेसमेंट हुआ, तो मैंने एज अ टेक्नो कमर्शियल ऑफिसर इन अ मल्टीनेशनल टेस्टिंग लेबोरेटरी। और आप? हाउसवाइफ हैं। मैं जा रही हूँ, बाय बाय। जा रही हैं? हाँ। नॉकआउट राउंड नहीं खेलेंगी आप? खेलूंगी, पर आपने ऐसा बोल दिया। क्यों? कहीं कह दीजिए आप मजाक कर रहे हैं। मैं मजाक कर रहा था। थैंक यू। क्यों, आपको हाउसवाइफ बनना अच्छा नहीं लगता? हम इतनी पढ़ाई क्यों करते हैं हाउसवाइफ बनने के लिए? मैं फ्यूचर टीचर हूँ। फ्यूचर टीचर? यस, अभी अक्टूबर में टीचर बन जाऊंगी। साउंड तो अच्छा करता है। मेरा फ्यूचर बताइए ना। आर यू स्टूडेंट? नहीं नहीं, फ्यूचर टीचर है कि फ्यूचर टीच करती ना? फ्यूचर में टीच करूंगी। अच्छा, फ्यूचर में टीच करेंगी? फ्यूचर में टीच करेंगी? ये फ्यूचर की कोई टीचर नहीं है। सलमान जी, एक बात मैं आपके लिए कहना चाहूंगी। जी प्लीज कहिए। नो डाउट सभी लोग बोलते हैं स्मार्ट है, शो, लेकिन जितने आप पर्दे पे दिखते हैं, स्क्रीन पे दिखते हैं, उससे बहुत 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 ज्यादा स्मार्ट। क्या कह रही हैं आप? क्या आपको भी ऐसा लगता है? सीरियसली, मैं सही बता रही हूँ ना, मैं जब से मतलब कि मैं बड़ी हुई हूँ तब से मैं आपकी फैन हो गई। अभी तो आपने मुझे हाउसवाइफ बनाया। अभी तो मुझे बोली पिंच करो, पिंच करो, पिंच पी, पिंच पी। ये तो एक जीत पिक्चर की थी, उसमें मुझे राज कंवर साहब ने ये सीन दिया था कि मैं आता हूँ और करिश्मा कपूर को बोलता कि आई कांट बिलीव दिस, पिंच मी। मैंने सीन रिफ्यूज कर दिया था, मुझे बहुत बचकुंडा सीन लगा था। नजर इनकी, आई लव योर आईज। आप बहुत इंटेंसिटी है, रियली। अच्छा या। अच्छा, मेरी तारीफ हम अभी है, मेरी तारीफ तो मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी काफ़ी वक्त गुजार रहे हैं हम, आप मेरी तारीफ करते जाइए। तारीफ पर कोई बंदिश नहीं है, लेकिन उसके पहले आपको एक ये खेलना पड़ेगा ना, नॉकआउट राउंड। हमारे साथ नीतू सिंह जी और प्रीति शर्मा जी, जो कि खेलेंगी हमारे साथ 10 कदम 10 करोड़ रुपयों के लिए, लेकिन उसके पहले इनको खेलना पड़ेगा नॉकआउट राउंड। अब बता दूं कि आपको आपको नॉकआउट करना है, आपको नॉकआउट करना है। बेस्ट ऑफ 5 है, जिसने पहले 3 सवालों को सही जवाब दिया वो खेलेंगी मेरे साथ 10 करोड़ रुपयों के लिए। तो आपका पहला प्रश्न, कितने प्रतिशत भारतीय महिलाओं ने कहा कि वो एक नहीं अनेक पति चाहेंगी?
आपको तो पति नहीं चाहिए, आप तो क्या हाउस, आप बोल रही ना कि आपके हाउस वाइफ ही बनना आपको, ये पति चाहिए, पति किसने चाहिए? बोला आप डेफिनेटली चाहिए, वो भी आप जैसा दिखना चाहिए, उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए, उसकी आंखें नहीं, उसका पूरा फेस सलमान जैसा होना चाहिए। कुछ ही दिन पहले आए थे, मैरिड थे? नहीं मैरिड नहीं है। आप कैसे जुड़वा थे क्या? हां वो डुप्लीकेट, एक मिनट, शाहरुख का डुप्लीकेट देखा है मैंने, सचिन तेंदुलकर का देखा, लेकिन आपका नहीं देखा मैंने, थोड़ा सा डिफिकल्ट, आप ही थे लगता है। जी हाँ, 10 सेकंड हैं आप दोनों के पास और आप दोनों के 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। % प्रीति, 9%, वाह वाह, वेरी गुड। आए देखें कि कितने प्रतिशत भारतीय महिलाओं को अनेक पति चाहिए। आपका अगला प्रश्न, कितने प्रतिशत भारतीय किसी फिल्म स्टार जैसे कपड़े सिलवाने के लिए उनकी फोटो लेकर टेलर के पास जाते हैं? आप कभी किसी की फोटो लेकर गई हैं? नहीं। कपड़े सिलाने की? शाहरुख खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन। मैं शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन के कपड़े क्या करूं? अच्छा, आप नहीं, स्टाइल बता देते हैं, लाइक कि अगर कोई अच्छा लगा तो बोल सकते हैं कि हाँ वैसा होना चाहिए, होना चाहिए, बट फोटो लेके नहीं। लेकिन बात तो वही है ना, फोटो लेके जाना और समझाना, आई थिंक डिफरेंस हो गया ना। 10 सेकंड है, 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। प्रीति शर्मा जी 36%, नीतू सिंह जी 34%, आए देखें। % वाली नीतू सिंह जी जीती। थैंक यू। वन ऑल। अरे अरे छोड़िए ना, छोड़िए ना, अरे छोड़िए ना।